दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का छठा और सबसे खूबसूरत सियारा है। इसके खूबसूरत होने की वजह इसका बहुत बड़ा रिंग है। जब आप इस सियारे को दूर से देखेंगे तो सूरज की रोशनी की वजह से ये रिंग शाइन करता है, जिससे ये सियारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इसके अलावा जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी रिंग्स मौजूद हैं, लेकिन सैटर्न का रिंग्स इन सबसे बहुत बड़ा और खूबसूरत है। इसका डायमीटर 270,000 किलोमीटर है, जो बहुत बड़ा साइज है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सैटर्न के पास इतना बड़ा रिंग्स कहाँ से आया और आखिर ये कैसे बना, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जब पहली बार 1610 में गैलीलियो गैलीली ने सैटर्न को अपनी सादी दूरबीन से देखा था, तो उन्हें लगा कि इस सियारे की दोनों साइड्स पर दो कान लगे हुए हैं और उन्होंने इस बात को सच मान लिया। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस हुए तो हमने सैटर्न के रिंग्स को बहुत डिटेल से देखा। सन 1655 में एक डच साइंसदान ने पहली बार कहा कि सैटर्न के कान नहीं बल्कि उसके किर्द बहुत बड़ा रिंग सिस्टम मौजूद है। इसके बाद हम और ज्यादा एडवांस हुए, जिसकी वजह से हमने इन रिंग्स के बारे में बहुत कुछ जाना और आज हमें ये पता है कि सैटर्न के पास 7 रिंग्स मौजूद हैं। इन रिंग्स को जिस डेट में ढूंढा गया था उसी हिसाब से इन्हें अल्फाबेटिक नाम दिया गया है। सबसे नजदीक वाले रिंग का नाम डी है और सबसे दूर वाले रिंग का नाम ई है। अगर हम रिंग ई के डायमीटर को सैटर्न के डायमीटर से कंपेयर करें तो इस रिंग का डायमीटर 7,000 गुना ज्यादा है। ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि ये इतना बड़ा साइज है कि इसमें 1 अरब जमीने आसानी से आ जाएंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 अरब जमीने। इसके बाद रिंग बी और ए के दरमियान आपको ये छोटा सा गैप दिखाई दे रहा होगा। ये गैप देखने में बहुत छोटा है, लेकिन ये 4,700 मीटर लंबा है। अगर हम सैटर्न के इन रिंग्स को ध्यान से देखें तो हर बड़ा रिंग कई छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना है, जिनको रिंगलेट कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये रिंग किस चीज से बना है। तो ये बात आप जान लें कि ये रिंग्स आइस और चट्टानों से मिलकर बना है। इनमें से कुछ टुकड़े रेत के बराबर होते हैं और कुछ टुकड़े बहुत बड़े होते हैं। इस रिंग की थिकनेस 9 मीटर है, लेकिन कई जगहों पर ग्रेविटी की वजह से रॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं और ये थिकनेस 3 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। नासा ने पहली बार पायोनी 11 और वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से सैटर्न की कुछ तस्वीरें खींची थी, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन साइंसदान को सबसे बड़ी कामयाबी कसिनी स्पेसक्राफ्ट से मिली थी। इसे 1997 में लॉन्च किया गया था, जो 7 सालों बाद 2004 में सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंचा और इसने 2017 तक इसे अच्छी तरह से स्टडी किया और हमें इस रिंग सिस्टम के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सैटर्न का ये रिंग कैसे बना। कई साइंसदान इस पर अपनी मुख्तलिफ थ्योरीज पेश करते हैं। कई साइंसदानों का कहना है कि सैटर्न का रिंग इसके मून के टुकड़े हैं। एक स्टडी के मुताबिक इसका एक मून हुआ करता था, जो इसकी ग्रेविटी की वजह से तबाह हो गया, और जो रिंग आज हम देख रहे हैं वो इसी चांद के टुकड़े हैं। अब ये बात कितनी सच है, साइंसदान का कहना है कि सैटर्न के गिर्द ऑर्बिट करने वाले ज्यादातर चांद बर्फ से बने हैं और सैटर्न का 95% रिंग आइस से बना हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि ये रिंग सैटर्न के चांद के टुकड़े हों। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर उस चांद के टुकड़े सैटर्न की ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ क्यों नहीं जुड़े। तो साइंसदान का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि वो टुकड़े सैटर्न और इसके मून्स की ग्रेविटी की वजह से ना जुड़े हों। इसके अलावा कई साइंसदानों का कहना है कि ये किसी चांद के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि सैटर्न के करीब से गुजरने वाले एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स के टुकड़े हैं। जब ये एस्ट्रॉइड सैटर्न के करीब पहुंचा तो सैटर्न और इसके मून्स ने इसके टुकड़े कर दिए होंगे, जिसकी वजह से ये टुकड़े सैटर्न की ग्रेविटी में रहकर इसे ऑर्बिट करने लगे। वक्त के साथ साथ ये टुकड़े आपस में टकराते रहे और ज्यादा छोटे हो गए, जिसकी वजह से आज सैटर्न के रिंग में हमें छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं। लेकिन इस थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको पता है, सोलर सिस्टम में मौजूद ज्यादातर एस्ट्रॉइड जुपिटर पर गिरते हैं और इसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आखिर जुपिटर के पास सैटर्न जैसा रिंग सिस्टम क्यों नहीं है। इस बात से साइंसदान को एस्ट्रॉइड वाली थ्योरी गलत साबित होती है, जिसकी वजह से कई साइंसदान पहली वाली थ्योरी पर ही यकीन रखते हैं कि ये रिंग चांद के टुकड़ों से मिलकर बना है। लेकिन इसके लिए भी एक और थ्योरी मौजूद है। साइंसदान का मानना है कि ये काम किसी एक मून का नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे मून शामिल हैं। सैटर्न के बहुत सारे मून वक्त के साथ साथ एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके टुकड़ों की वजह से ये रिंग बना।
लेकिन कई साइंसदान इन तीनों थ्योरीज को नहीं मानते। उनका कहना है कि सैटर्न का रिंग किसी मून या एस्ट्रॉइड से नहीं बल्कि सैटर्न से ही बना है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उनके मुताबिक आज से 4.5 अरब साल पहले जब हमारे सोलर सिस्टम और सैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी तो सैटर्न अपने आसपास डस्ट और गैस के पार्टिकल्स को जज़ब नहीं कर पाया था और ये डस्ट पार्टिकल्स सैटर्न की ग्रेविटी की वजह से इससे दूर नहीं जा सके और हमेशा के लिए इसके ऑर्बिट में रह के। अब इस थ्योरी के मुताबिक सैटर्न का रिंग आज से 4.5 अरब साल पहले बना था, लेकिन न्यू स्टडी के मुताबिक सैटर्न का रिंग 1 करोड़ साल पुराना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी जब जमीन पर डायनासोर थे तब सैटर्न पर कोई रिंग नहीं था। और ये बात आप जान लें कि इसकी उम्र के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने सैटर्न की रिंग्स की चमक का इस्तेमाल किया है। ये रिंग्स काफी ब्राइट हैं और हम इन्हें जमीन से आसानी से देख सकते हैं। साइंसदान का कहना है कि अगर ये रिंग 1 करोड़ साल से ज्यादा पुराना होता तो उनकी चमक खत्म हो चुकी होती और वो हमें इतना ज्यादा ब्राइट नहीं दिखाई देता। इसकी मेन वजह ये है कि इन पर एस्ट्रॉइड और कॉमेट की बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से अब तक इन्हें डार्क हो जाना चाहिए था। यानी अगर हम सैटर्न के रिंग्स की उम्र को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इसके कलर, मार्स और इसकी चमक को डिटेल से स्टडी करना होगा। यानी आखिरी थ्योरी भी गलत साबित हो रही है। इस वक्त साइंसदान जितनी भी थ्योरीज इसके रिंग्स की फॉर्मेशन के बारे में दे रहे हैं वो सब सही साबित नहीं हो रही। कई साइंसदान इसकी उम्र 1 करोड़ साल बताते हैं और कई साइंसदान इसकी उम्र 4.5 अरब साल बताते हैं। इन दोनों थ्योरीज में बहुत ज्यादा गैप है। अगर हम इस रिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें इन दोनों थ्योरीज के गैप में डिफरेंस को ठीक करना होगा, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि ये रिंग आज से 30 करोड़ साल बाद खत्म हो जाएगा। असल में जैसे सैटर्न के मून की फिक्स ऑर्बिट नहीं है, उसी तरह इसके रिंग्स में मौजूद पार्टिकल्स की फिक्स ऑर्बिट नहीं है। ये सभी सैटर्न के गिर्द रैंडम ऑर्बिट करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने ऑर्बिट में एक दूसरे से लगातार टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सारे ऑब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं और बर्फ की चट्टानें सूरज की गर्मी की वजह से पिघलकर बारिश की तरह बरसती हैं, जिससे वक्त के साथ साथ ये रिंग खत्म हो रहा है और आने वाले कुछ करोड़ सालों में ये रिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।